अरे रघु। हाँ रुक रुक आता हूँ। अरे रघु। हाँ रुक रुक आता हूँ। रघु सुन तो। रुक थोड़ा। क्या सौरभ कब आया? क्या बात है नया शर्ट। रमेश एक ग्लास पानी लाना। अरे रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ कुछ पता चला? भाई उसी के लिए तो आया हूँ, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। यस, तेरा भी तो आया होगा। इतना श्योर कैसे? अरे भाई जब मेरे 55% में आया है, तेरा तो 87% है, आया ही होगा। अच्छा वो छोड़, तुझे कल इतनी बार आवाज दिया, सुना क्यों नहीं? अरे मत पूछ, कल मेरा दिन ही खराब था। एक चाय देना। चाय नहीं है। अरे यहाँ पर तो दो चाय है। अरे भैया चाय के लिए दो लोग बोल के गए हैं। रुको रुको। क्या? रिजर्व पार्किंग। रिजर्व? रिजर्व्ड? शिट। भाई तू एक दिन में परेशान हो गया? ये तो हमारे साथ कितने सालों से चलते हुए आ रहा है। क्या मतलब? ओहो, अरे भाई देख, हम ना पिछड़े जात वाले हैं, आरक्षण हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा चल एक बात बता, अंकल कितने तक पढ़े हैं? क्लास 8 तक। और आज के डेट में उनका स्टेटस क्या है? अपने पास कंपनी है, गाड़ी है, बंगलो है, बैंक बैलेंस है, और क्या चाहिए? कभी तूने सोचा है अंकल को इस आरक्षण की कभी जरूरत पड़ी होगी? अंकल अपने विल पावर से आगे बढ़े ना कि किसी आरक्षण का सहारा लेकर। तू कहना क्या चाहता है, ये आरक्षण को हटा देना चाहिए? नहीं यार, आरक्षण तो एक सीढ़ी है समाज के गरीब और पिछड़ों को ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन ये समाज के गरीब पिछड़ापन किसी एक जाति में नहीं है। अब तू ही देख ले, तेरे पास घर है, गाड़ी है, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, और मेरे पास इस गरीबी को छोड़ के कुछ नहीं है। बाबूजी को गुजरे 7 साल हो गए, माँ को मजबूरी में कपड़े की दुकान में काम करना पड़ा, भैया को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, बहन की शादी करवाना भी बाकी है, और ये जो शर्ट है ना, मेरी नहीं है, भैया की है, छोटा हो रहा था ना उनमें। भाई गरीबी किसी की जात पूछ के नहीं आती। एक किताब रख ले तू। क्यों क्या हुआ? भाई हमारा फाइनल लिस्ट में नहीं आया, 88% था ना हमारे कैटेगरी में। भाई सुन तो, क्या हुआ अगर गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देके सीट ले लेना। भाई मैं काश तेरे जैसा पिछड़े जात का होता।